ऑर्डिनेंस लियांदे गए है उन्हां दा लियाउण दा कारण सी कि जिहड़ा किसान दा जीवन पद्धर है उस नूं उच्चा लोक सभा और राज्य सभा में 3 बिल पास करने के बाद अब बीजेपी जन जागरण अभियान की शुरुआत कर रही है, जिसके चलते आई प्रेस क्लब फिरोजपुर में बीजेपी किसान मोर्चा के पंजाब अध्यक्ष बिक्रमजीत सिंह चीमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अज का एजेंडा सीगा जिहड़ा केंद्र की जिहड़ी सरकार है साडी भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों की उन्हां वल्लों जिहड़े 5 जून नूं ऑर्डिनेंस लैके आए सी ते उह पिछले दिनां दे विच संसद दे विच पास हो के कानून बने आ, उन्हां कानूनां नूं उन्हां ऑर्डिनेंस नूं जिहड़े किसान दे हित लई असीं लैके आए सी उन्हां नूं पंजाब दे विच कांग्रेस वल्लों गुमराह कर प्रचार करके, क्योंकि 2022 की इलैक्शन की लड़ाई करके किसान नूं टोटल वो बारे जिहड़ियां गल्लां उस ऑर्डिनेंस के लिखिया उन्हां बारे टोटल उस तो उल्ट किसान नूं दस के अज किसान नूं सड़कां ते लियांदा, किसान नूं विद्रोह करन लई मजबूर किया गया। मैं अज अपने किसान भरावां दे जिहड़े जिहड़े गिले है जिहड़े शिकवे है उन्हां नूं दूर करन दे लई असीं आउण वाले दिनां दे विच उन्हां दे विच जावांगे, भी पिंडां दे विच भी जाके उन्हां नाल बैठ के एक गल करन दे लई। पर अज की जिहड़ी शुरुआत है पंजाब के 22 जिलों के भारतीय जनता पार्टी के जिहड़े साडे किसान लीडर है वो जाके उन्हां ऑर्डिनेंस बारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, क्योंकि तुसीं साडे समाज दा चौथा थम हो, तुहाडी दित्ती हुई जानकारी लोग सुनते भी है पढ़ते भी है, तो तुहाडे माध्यम राही अज इन्हां दे जिहड़ा पहलां असीं उन्हां ऑर्डिनेंस बारे दस्सिया कि इन्हां दे विच की लिखिया है की किसान दे हित च है, तो इस तों अगे आउण वाले दिनां दे विच ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਭਰਾ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮੱਦ ਅਜਿਹੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, जिहड़ा ये तुहाडा सुझाव है इस तो पहला किसानों वालों भी आया बाकी देश, पर मैं तुहाडे जानकारी लिए दस दें कि MSP जिहड़ी है अज तक, क्योंकि आपां तो 2014 तो मोदी साहब की सरकार आई है, उस तो पहला कांग्रेस दीआं सरकारां बाकी सरकारां रही हैं, किसान नेतावां दीआं सरकारां भी रही हैं, पर किसी ने MSP नूं कानूनी नहीं किया गया। और हुण इह मंग जिहड़ी आ रही है कि इस गल दे प्रबंध किया जाए कि MSP तो थल्ले किसी फसल की खरीद ना हो, असी सेंटर सरकार नूं मिल के अपनी सरकार नूं मंत्री साहब नूं मिल के कोशिश करांगे इस गल दा प्रबंध करिए। कि तुहानूं लगदा कि यह संशोधन होना चाहिए सीगा कि किसानां नाल पहले भाजपा नूं गलबात करनी चाहीदी सी फिर जाके ये बिल जिहड़े आ लैके आने चाहिए सी लोक सभा दे विच? साडे जिहड़ी तुसीं किसानां दी गल कर रहे हो, सब तो पहला भारतीय जनता पार्टी ने एक जिहड़े खेतीबाड़ी वाले सूबे है सूबे का मुखी आपां चुनकी बनाउने आ, चुनिया जांदा मुख्यमंत्री चुनिया जांदा, उन्हां खेतीबाड़ी वाले सूबियां दे मुख्यमंत्रियां दी एक हाई पावर कमेटी बनाई सी जिहदे नाल इन्हां गल्लां ते डिस्कस कीता गया कि आपां आ काम करन जा रहे हां किसान दे लई कि इहदे 'च कोई सोध करनी चाहीदी है जां इहदे 'च कोई घटा वधा कुछ करना चाहीदा। पर उन्हां मुख्यमंत्रियां ने इस गल की सहमति दी कि नहीं, ये बिल किसान दे हित लई ठीक है, जिहदे 'च साढ़े पंजाब दे मुख्यमंत्री सरदार कैप्टन अमरिंदर सिंह जी भी वो भी इस हाई पावर कमेटी के मैंबर सी, ये ठीक है कि उन्होंने मीटिंग ज्वाइन नहीं की, उन्होंने बिहाफ से June 2019 सरदार मनप्रीत सिंह बादल होना ने वो मीटिंग ज्वाइन की सी। सो दूजी गल, भारतीय जनता पार्टी के 100 जिहड़े मैंबर 100 के करीब मैंबर ने वो किसान MP ने और उन्हां नूं चुन के भेजिया, उन्हां दे थ्रू भी सारी जिहड़ी जानकारी लई गई सी, ये ठीक है कि किते ना किते घाट रही है कि किसान जथेबंदियां सी जिहड़ियां साडियां उन्हां नाल बैठना नहीं हो सकिया, ये जरूर घाट रही है। पर जिहड़ा एक किसान तुसीं कहा कि इस बिल दे लियाउण दी लोड़ की है, मैं सिद्धा जिहा पंजाबी 'च समझाउणा तुहानूं कि एक सड़क है 70 साल तो बनी हुई है, पुरानी सड़क है, भीड़ी सड़क है, वह चल रही है, एक सड़क नाल सेंटर गवर्नमेंट ने 4-लेन सड़क बनाती पर उहदे नाल एक प्रबंध करता कि जिस व्यक्ति की इच्छा है वह आ 70 सालों वाली तो चले, जिसने किसी की मर्जी है हाई स्पीड जाना वह 4-लेन पर चढ़ जाए। सरकार ने यह प्रबंध किया है कि जे कोई किसान, बिल्कुल सरकार क्लीयर है इस गल्ल ते, जे सरकार चाहुंदा अपनी फसल मंडियां 'च बेचे
आड़तियां दे थ्रू बेचे, जे किसान चाहता अपनी किसी फसल बार किसी व्यापारी बेचे कितने भी जाके बेचे, इस तरह का प्रबंध किया। जे देखिए तो 2022 के इलेक्शन किमें देखते हैं, अकाली दल हूँ तुहाडे खिलाफ ही जिहड़ा प्रचार करना शुरू कर दिता है, प्रोटेस्ट कर रहा है किसानों नाल सड़कों पर उतर के, ते तुसीं दूजे पासे खेती ऑर्डिनेंसां की गल कर रहे हो, तुहाडी जिहड़ा सांझ हैगी है दोवां पार्टियां की, हुण 2022 दे विच की अकाली दल नाल तुसीं चुनाव लड़ोगे पंजाब तो? सब तो पहला तो मैं भारतीय जनता पार्टी का जिहड़ा एजेंडा है कि सत्ता प्राप्ति लिए कोई काम नहीं करते हैं, सब तो पहला देश है इन्हां लई, देश के लोग है, और मोदी साहब जिहड़े देश हित लई जिहड़ियां भी स्कीमां हुंदियां जिहड़ियां कोई पॉलिसीज़ हुंदियां उन्हां नूं लियाउण चों कदे पिछे नहीं हटते। दूजी गल जिहड़ी श्रोमणी अकाली दल की कर रहे हो, साडे एनडीए दे उह भाईवाल भी ने, साडे सरकार दे विच पंजाब च भी पार्टनर रहे, हिंदुस्तान की सरकार च मंत्री भी रहे, इस गल का जवाब वह बखूबी वह दे सकते हैं कि उन्होंने 3 महीने अज तो 5 जून तो लैके आ पिछले 4 दिन तक बीबा हरसिमरत जी ने, भैन ने साड़ी ने, सरदार सुखबीर सिंह बादल, सरदार प्रकाश सिंह बादल जिहड़े किसानों के वड्डे नेता मने जांदे आ, उन्होंने अजे 10 दिन पहला 12 दिन पहला इस बिल के हक के बयान दिता सी कि एक कानून जिहड़ा मोदी साहब ने बनाया किसानों के लिए एक वरदान साबित होगा। हुण वो इस कानून के क्यों विरोध च आए ये बारे वो चंगी तरह दस सकते हैं, क्योंकि उन्होंने साडा संगठन अलग है, उन्होंने संगठन अलग है, इस बारे वो जानकारी चंगी तरह वो दे सकते कि बिल दे विच सोध होना चाहिए है। नहीं, जो कोई भी बिल जदों बनता, जिस तरह GST आई सी, GST दे विच हुण तक किन्नियां मीटिंग्स हो के किन्नियां सोधा हो चुकी हैं कि तुसीं मानदे हो, इस तरह इस बिल दे विच भी ये प्रबंध किया गया है कि जे दे विच किसानां नूं कोई लगेगा कि यह सोध होनी चाहिए है, जां आ मद हटनी चाहिए है, आ मद लियाउणी चाहिए है, आने वाले दिनों दे विच मीटिंग दे विच पास करके उस नूं इस बिल दे विच सोध की जा सकती है, कोई ऐसी समस्या नहीं। फिरोजपुर तो अमदीप शर्मा की रिपोर्ट, लाइव भारत।